है, इनके साथ आई हूँ। मैं नहीं आई है, मुझे उठा के ले आई, नहीं तो मैं आई ना पाती। आज मैं माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने आई हूँ। यहाँ श्रृंगार चढ़ाने आई सब, पंचमी के दिन मैं, आज मेरा व्रत है। मम्मी बेटा बेटी तीनों लोग बैठे, मम्मी बेटा बेटी और इधर मेरा परिवार है। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज इतने दिन बाद मैं सुबह उठी हूँ, सभी को गुड मॉर्निंग। पहले पता है मैं बहुत दिन बाद आज उठी हूँ, जब मैं एक बार चित्रकूट गई थी सुबह उठी थी कि आज उठी हूँ मैं। चलिए पहले मैं जल्दी से ब्रश व्रश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। पहले मैं बड़ी गुड मॉर्निंग कर देती हूँ। मैं देखिए चिड़िया चहचहा रही हैं, अपना सुबह सुबह भोजन ढूंढ रही हैं चिड़िया। आज मुझे जाना है मंदिर। मैं तो बताना ही भूल गई आप लोगों को कि सुबह सुबह मैं क्यों उठ गई हूँ। अच्छा नया चीज़ है ना, थोड़ी बता देती हूँ कि मैं सब काम कर सकती हूँ पर सुबह उठ नहीं सकती। पर आज मुझे उठी हूँ क्योंकि मुझे माता रानी के पास जाना है। मुझे माता रानी यहाँ बहुत दूर नहीं जाना, यहाँ तालाब के पास है, यहाँ दुर्गा जी रखी है। तो आज मुझे बुलावा आया है माता रानी का, तो मुझे जाना है। तो चलिए अब मैं तैयार होकर फिर मिलती हूँ गाइस, ठीक है। आज मैं बहुत दिन बाद सुबह उठी क्योंकि आँख भी सूजी हुई है। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना, आप एक बात बात बताऊँ आप लोग से कि जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो मुझे अपना चेहरा बहुत अच्छा लगा करता है, पता नहीं क्यों। सब क्योंकि मेरा चेहरा पिचका हुआ है ना, तो सब फूल उल जाता है, आँख वूँख सब सूज जाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। सब लोग से भी मिलती भी हूँ। सुबह उठना मेरे आज का बहुत खास दिन है ना, कोई कम जंग इसके बराबर नहीं है। मैं हर काम कर सकती हूँ पर सुबह उठ नहीं सकती। चलिए अब जल्दी तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले तो ये घर में थी, घर के बाद कहाँ से यहाँ रोड में आ गई। आज ये भाभी है पीछे, हाय गाइस। हाय, ये जा रही है पूरा ध्यान पता है तालाब में ना, दुर्गा जी रखी है तो पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाने जा रही हैं। आज सुबह सुबह की धूप का मज़ा ले रही हूँ, कभी भी सुबह की धूप का मज़ा नहीं ली हूँ, गर्मी से अभी धूप का मज़ा ले रही हूँ गाइस। मुझे माता रानी ने बुलाया है तो उनके कारण मैं धूप का भी आनंद ले रही हूँ और हम लोग भाभी जा रहे हैं माँ दुर्गा। हे गाइस देखिए अब मंदिर में आ गई हूँ मैं। आज अभी पूजा होगी, आरती होगी, आज मैं सुबह सुबह यहाँ, अभी श्रृंगार भी उनका होगा। हम लोग पहले आ गए हैं, या ऐसा पहली बार हुआ कि मैं कोई नहीं आया, हम लोग पहले आ गए, अभी कुछ कार्यक्रम चालू नहीं हुआ। नहीं तो हमेशा कार्यक्रम के लेट आती हूँ या बीच में आती हूँ, आज मैं पहले आ गई, या मज़ा आ गया। आज मुझे माता रानी ने बुलाया है, आया बुलाबा माता रानी का, जय माता दी जय माता दी। ये भाभी है, इनके साथ आई हूँ। मैं नहीं आई है, मुझे उठा के ले आई, नहीं तो मैं आई ना पाती। आज मैं माता रानी का श्रृंगार चढ़ाने आई हूँ। यहाँ श्रृंगार चढ़ाने आई सब, पंचमी के दिन मैं, आज मेरा व्रत है। ये मेरे हस्बैंड है, ये उनके हस्बैंड है, यहाँ पूजा करते हैं माता जी की। अभी नौ दिन अपना वो कर रहे हैं माता जी का सेवा। सेवा करने से ही फल मिलता है ना, मेवा मिलता है माता रानी का। ये हमारे गांव के मंदिर की माता रानी है। गाइस देखिए तालाब में ना कमल के फूल उगे हैं, वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। देखिए वाइट वाइट एकदम मस्त, कितने अच्छे लग रहे हैं वाइट वाइट इधर, और एक इधर भी है कमल के फूल। गणेश जी का वो पड़ा हुआ, कभी गणेश विसर्जन हुआ है ना गाइस, तो गणेश जी का साँचा पड़ा हुआ ये। माता रानी का अब श्रृंगार चालू हो गया है, अब श्रृंगार होगा। हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज हमें श्रृंगार का मौका मिला और हम टाइम से आ गए, सब भाभी के कारण हुआ, भाभी ने चढ़ाया श्रृंगार। सर्वदा महालक्ष्मी महासरस्वती महा मैया सज गई, टीका लग रहा है नजर न लगे। ये देखिए दिखाती हूँ आपका मैया का फानी लोग, ये श्रेष्ठ चंद्रम प्रति स्वामी।
इधर पूजा हो रही है गाइस और इधर प्रसाद तैयार हो रहा है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो प्रक्षालयन्तु। ओम प्रजापतिश्वर प्रजापते नमः स्वाहा। ओम ब्रजदेवताधर्म स्वाहा। ओम अम्बा ब्रह्मा ज्योतिर्मा दुर्गा दिव्य नमः स्वाहा। ओम ग्रहण पूजा हो गई, अब आरती चालू हो गई गाइस। श्रृंगार हुआ, पूजा हुआ, अब आरती हो रही है। पूजा हो गई है, अब प्रसाद बन रहा है। पहले पंचामृत बट रहा है, फिर प्रसाद ही बट रहा है साथ साथ में। फिर हम खाएंगे, पंचामृत मुझे सबसे पहले मिला है, माता रानी ने मुझे सबसे पहले दिया। हम लोग पूजा हो गई, प्रसाद ले लिए हैं, अभी शंकर जी को नहलाएंगे। दुर्गा जी की पूजा हो गई है, अपने शंकर जी करेंगे, फिर चलेंगे। जय माता रानी, मेरा वॉच टाइम पूरा करवा दीजिए माता रानी। माता रानी बहुत मजा आई पूजा करने में, एक घंटा दो घंटा लग गया है। माँ का खूब माता रानी पूजा करने में बहुत मजा आई, अच्छा लग रहा। गए थे तो एकदम धूप थोड़ी थोड़ी सी थी, अच्छी लग रही थी, अब धूप खराब लग रही। तेज धूप हो गई ना, आए भी काफी टाइम हम लोगों को हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो अब धूप तेज लग रही थी, लग रही है। पहले तो मजा आ रही थी सुबह सुबह धूप में, पूजा पाठ की भाभी, इसलिए पूरा पूजा बैठ के वो करी थी, इसलिए टाइम लग गया। गैस ऐसा मौका मान लीजिए रोज रोज नहीं मिलता, कभी कभी मिलता है। तो कल हमारी माता रानी को देखा, देखा प्यारी है ना, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छी है माता रानी, सभी की मान लीजिए माता रानी अच्छी रहती है, पर बहुत प्यारी, पता नहीं क्यों लगा करती है माता रानी इतनी प्यारी सुंदर सी। हमको भी थोड़ा सुंदर अपना दे देती माता रानी, सही बात। सुंदर है। चलिए अब मैं घर में मिलती हूँ आप लोग, ठीक है। हजब्रत भी आ है सुबह से, आ गई गाइस। इधर मेरी मम्मी पूजा कर रही है, दिखा किताब पढ़ रही, पाठ कर रही है मम्मी मेरी। मैं जब तक मम्मी पूजा कर रही है, जब तक मैं ये तैयार कर ले रही हूँ। बैठी हूँ, तीनों लोग बैठे हैं, ये तीनों लोग बैठ के खा रहे हैं। मम्मी बेटा बेटी, तीनों लोग बैठे, मम्मी बेटा बेटी, और इधर मेरा परिहार है, चिप्स है, चिप्स है, केला है और मूंगफली है। अब मैं कहती हूँ पूजा करते करते टाइम लग गया माता जी का, फिर घर में आ गए हम लोग, पूजा किए, चाय भी दिखाना भूल गई, और चाय भी पी रही हूँ भाई। सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवमी की तरफ से, तीनों लोग के तरफ से मुबारक हो आप लोगों को सबको। आप लोग भी पानी पी, ये नमक नहीं है, नमक बिना नमक के चिप्स हम लोग तले हैं, तो वही खा रहे हैं, लेकिन तीनों लोग खा रहे हैं एकदम। मोहित भी व्रत है आज, मम्मी तीनों लोग, तीन लोग व्रत हैं, दो लोग खाना खाना है, दो लोग खाने वाले, तीन लोग व्रत वाले हैं गाइस। आप लोग से खा के परिहार करके मिलती हूँ गाइस। देखिए अब सुबह मैं गई थी, अब शाम को मम्मी लोग जा रही हैं अपनी अपनी तैयारी करके, मौसी मम्मी मौसी तीनों बतौरा की जा रही हैं। बतौरा के आ है रहो या तीनों जाने तो कहा के द्वारा लग जा गया ही। अच्छा ये बतौरा के आई तो और नाम नहीं आओ, यहाँ सतना के तो वही रीवा के, ठीक 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 है भाई। मैं आ गई अंदर, थोड़ा मुँह धुल लूँगा, इस धुलने के बाद थोड़ा फ्रेशनेस महसूस हो, लेटी रह गई सुबह, फिर काम की, पूजा की, वो आज खाना ने वो प्रसाद, वो सॉरी क्या बोलती हूँ मैं, पानी ओनी पी, पानी पीने के बाद फिर मैं अपना खाना ना बनाने लगी गाइस, फिर टाइम लग गया, फिर नींद आने लगी, सो गई। सुबह 5 बजे की उठी थी ना, 6 बजे की नींद आ गई, सो गई। अभी उठी तो मम्मी लोग तैयारी करने लगी जाने की। चलिए मैं मुँह हाथ धुल के फ्रेश फ्रेश करके फिर मिलती, मुझे प्यास ही। इसी मैदान पे तो बब्बा को देखिए गाइस कैसे लेटे हुए हैं, ऐश के साथ अपना मैच देख एंजॉय कर रहे हैं।
मैं बोली आप लोग को दिखाती हूँ और मैं भी थोड़ा सा मैच देखती हूँ। ये अभी चल रहा है मैच, वो अभी 46 ओवर हुए हैं। गाइस रात हो गई है, मैं अपने व्रत वाला खाना बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी ऐसे वाली और पूरी बनाऊंगी। सब्जी छौंक दी, सब्जी पक रही है, मम्मी आटा गूंथ दे रही है, उसके बाद फिर उसे मम्मी आटा गूंथ रही है गाइस। और इधर मेरी सब्जी में डाल दी हूँ पानी, तो पक रही है। अब बनाऊंगी पूरी, पूरी बनाने के बाद फिर खाऊंगी। मेरा खाना बन गया है और मैं खाना खा रही हूँ। तो अब फिर सोची टीवी देखती जाऊँगी, खाती जाऊँगी। मैच चल रहा था ना, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, इंडिया जीत गई आखिरकार और विराट कोहली का शतक भी हो गया। बाय गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जारी